दीदी नमस्कार नमस्कार भैया बड़ा बढ़िया सोनी होता दीदी देखी ना भैया में घास फूस हो गई सम सोनी करता ने हाँ दीदी ठीक बा दीदी रोआ रे रानी कि बारह घंटा के बाद हम के नर्सरी बेड लगाए रोआ आ जाए तो हम गए बनी दीदी हाँ भैया हम सारा सामान जो रख ले बनी रवि तो हम बात देखी कबाएम रोआ ठीक बा दीदी भैया तो हम बता दे नर्सरी बेड कैसे लाग जी चले भैया आई बैठी भैया जी नर्सरी बेड लगावे में इतना सामान की जरूरत ओ इतना सामान लगे दीदी भैया इतना सामान की जरूरत भैया इतना सामान के अलावा केरो अच्छा केरो ये सब सामान के का होला दीदी देखी भैया हम बताओ तनी नहीं सामान के का होला दीदी ये सब चीज के बारे में तो बतेबे करे एक पहले रहुआ तनी अपन परिचय दे देती दे तो बड़ा अच्छा रहा हम अपन परिचय दे, दे नहीं भैया हमार नाम कुसुम देवी है घर बरगजवा है हम विष्णु जी का स्वयं सहायता के सदस्य बनी पंचायत कुंडीलपुर आ प्रखंड नरकटियागंज बाटे दीदी परिचय तो बड़ा बढ़िया देहनी अब हमरा के इस सब सामान के बारे में बता दी भैया हाँ ये कुदारी एक से नर्सरी बेड बनाओ ले ठीक बा दीदी जी। हाँ खुरपी एक खाप के मटिया के सब मिलावल ले बराबर कर ले जाये मुंडी जी एक तरह के ढेलवा के फोर के मटिया के मिलाओ जला बराबर कर जला जी ठीक बा इंची टेप से क्या होला दीदी हाय इंची टेप से नाप के बेड बनाओ ले जी हाय बा अंकुरित मार्चा के बीज अच्छा भैया एक उंदर सरी बेड में तीन किलो घन जीवा अमृत भी लागेला। अच्छा तीन, लागे ला तीन किलो लागेला दीदी हाँ भैया तीन किलो लागेला। ला। बेड के ढके खाती केरा के पत्ता के जरूरत पड़ला जो बेड बनावल जाए न ये केरवा के पत्तवा से ढक दो जाए कि ओकर नमिया बना रही हुई तेरे अच्छा ये नमी बरकरार रखे कदी तो पाई ऐसे हाँ भैया नमी बरकरार रखे खाती तो भैया दो तीन दिन के बाद केरवा के पतवा हटा दो ले और उन्हें वहाँ झरना से नमी बने रहे खाती पानी डाल ले यो पर अच्छा दीदी केरवा के पत्ते से नर्सरी बेडवा के यही से ढकल जाए ताकि वो कर नमी बना रहे ना अब दो तीन दिन के बाद केरवा के पत्ते हटा के आ झरना से ऊपर पानी दहल जाए ताकि नमी हमेशा बनल रही ठीक है कहा था भैया कि ओकर नमी बनल रही पनिया दहल जाए तो नर्सरी बैठ के तो बने भैया चली हम रुगा के बताओ तनी। हाय ये बात खेत भैया हाय खेत पहले से एक दो बार खाबल बटे अब ऐ में हम घन जीवा मित छीटा तानी भैया बेड के लम्बाई आठ फीट आ चौड़ाई चार फीट होके दीदी बेड के लम्बाई कर घन जीवा अमृत का, 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 हो का है ला छिटनी है ऐसे का का होला भैया घनजीवा अमृत छिटला से केचुआ सूतर ला जाग जाला और अपना काम में लग जाला अच्छा दीदी घन जीवा अमृत छिटला से केचुआ जब सुतल ओकर आसन भंग हो जाला और वो अपना काम में लाग जाला रउआ कहे के ये मतलब बा रउआ सही समझ नहीं भैया भैया इंची टेप पकड़ी हम नाप के अपने बताओ तनी जी देखी भैया ये पांच फीट हो गई हम तीन फीट और नाप के यानी कि आठ फीट हम रुआ के दिखाओ तनी भैया देखिए अब आठ फीट लंबा पूरा हो गए हाँ दीदी दी। तो पूरा है आठ फीट बा अब चौड़ाई हमने की नाप ले नू चार फीट या ये चार फीट चौड़ा हम ना पता नहीं जी दीदी ठीक दी। है कौन है दीदी ये तो पक्का चार फीट बा भैया अब तो हम नाप देनी नर्सरी बेड में अब नाला बनाओ बा हमरा दीदी नर्सरी बेड में ये नाला काहे खातिर भैया नर्सरी बेड में नाला ऐसे बनावल जला कि ज्यादा पानी बरसी तो नाला से निकल जाय भैया मुंगरिया मुहरिया बड़का छोटका ढेलवा के के बराबर करतनी आम जो घसवा के हम चुन देता हाँ दीदी भैया ऐसे सब खर पतवार चुन के फेंक देतनी कि बीज में खर पतवार ना जामो। अच्छा दीदी भैया एक चारों तरफ से हम नाला बना देतनी हाँ दीदी ठीक हाँ बा हम तो नर्सरी बेड बना ले ले अब अभी नाला के गहराई और ऊंचाई हम नाप के बताओ जी दीदी बताए एक दी दी बताएं। एकर तीन इंच बा भैया हाँ दीदी एक दी, तीन इंच आ गहराई पाँच इंच बा हाँ दीदी दी, पाँच इंच चौड़ाई बा तरह नाला बनावेल भैया हाँ दीदी भैया हाँ। अंकुरित और उपचारित बीज के बेड पर लगाई हाँ दीदी लगा के बताई सबसे पहले कौन चीज से खुरपी से चाहे लकड़ी से चीना काट के तैयार कर ले अच्छा दीदी अब हम नर्सरी बेड पर चीना काट रहा बने हाँ दीदी लगा भैया हाँ दीदी दी तब बात बड़ा बढ़िया तरीका बा देखनी भैया नर्सरी बेड पर हम मरचा के बीज के गिरेनी गिरे दीदी रुआ नर्सरी बेड पर बड़ा बढ़िया तरह से मरचा के बिया गिराव नी हम सीखियो लेनी भैया हम मरचा के बीज के खुरपी से मिला रहा बनी भैया एक रक्त हम खुरपी से मिला दे लेवानी एक रक्त दो तीन दिन खाती केरा के पत्ता से ढक देता नहीं हाँ दीदी ठीक दी। बा दीदी ढक दी एक रक्त दो तीन दिन खाती आई तेरा दोली भैया एक बाद हटा के एक से पानी पटल अच्छा दो तीन दिन एक रक रक ले। हाँ भैया दो तीन दिन रखल ले अच्छा दीदी नर्सरी बेड पर मर्चा के बीज गिरावला से कौन कौन लाभ बा अरे बहुत ही लाभ भैया भा हम बताव ती नर्सरी बेड पर उपचारित बीज के गिराइला से पौधा स्वस्थ होला दूसर का फायदा की उपज अधिक होला दीदी कोनो में बा में सावधानी ये बा भा भैया कि बेड पर तीन दिन से ज्यादा केरा पत्ता ना रखा जला। दीदी रहुआ किसान दीदी भैया लोग देवे के कोनो संदेशों चाहे हाँ भैया किसान दीदी भैया से अनुरोध बाटे कि मर्चा के बीज उपचारित करके ही बीज के नर्सरी बेड पर लगाएं दीदी अपन इतना बहुमूल्य हमरा के समय आ नर्सरी बेड पर उपचारित मरचा के बीज के लगाओ के सिखाऊ नी एक खातिर के लाख लाख धन्यवाद बाहुओ के भैया धन्यवाद बा